लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी जी जान से जुट गई है। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां भी कांग्रेस यूपी जोड़े यात्रा के जरिए कई वर्गों को साधने में लगी है। लेकिन अब इसी बीच प्रियंका गांधी के यूपी से चुनावी मैदान में उतरने की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में यूपी से मैदान में आ सकती हैं। इसका अंदेशा यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के बयान से झलकता दिखा। दरअसल यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे का इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर खुलकर बात की। अविनाश पांडे अपने इंटरव्यू में यूपी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कहा कि प्रियंका जी यूपी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका फैसला वो खुद ही लेंगी। वो पार्टी के बेहतरी के लिए सोच समझ कर निर्णय ले सकती हैं। चुनाव के दौरान पार्टी में प्रियंका गांधी की भूमिका क्या होगी क्या नहीं, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जैसा कि बार बार प्रियंका गांधी की यूपी से चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, लेकिन यूपी कांग्रेस प्रभारी के बयान ने इस बात को और हवा दे दी, ये कहकर कि प्रियंका पार्टी की बेहतरी को लेकर फैसला लेंगी। बता दें कि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस प्रभारी पद से हटाया गया था, जिसके बाद ये पद अविनाश पांडे को दे दिया गया। प्रियंका को हटाने के बाद भी कई कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए थे, जिसमें कहा गया था कि प्रियंका का प्रमोशन हुआ है, जिसके बाद से कयासों का दौर भी चालू हो गया था, जिसे अब और हवा मिल गई है। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रियंका को शीर्ष नेतृत्व से चुनाव लड़ने की अपील की थी। लगता अब वो समय आ गया है, पर क्या होता क्या नहीं, इसका भी इंतजार करना होगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।